गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट, जो कि द्वारका सेक्टर 7 में लगी हुई है। मतलब काफी टाइम से लग गई है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। काफी टाइम से सोच रही थी जाना है, तो अभी दिवाली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि घर का कुछ कुछ सामान जो भी होगा, एक दो चीज जो मिलेगी वो ले आऊंगी, कुछ पसंद आएगा अगर तो। वैसे भी आज करवा चौथ भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा तो शाम को 5:30 बजे से ही होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बज रहा है 12:30, तो हमारे घर से बहुत पास है, 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलो 2:30 बजे तक तो हम वापस आ ही जाएंगे, इतनी देर मुझे भी क्या करना है, प्यास भी इतनी लग जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ घर में खाली खाली बैठे से तो अच्छा है कि बंजारा मार्केट चले जाते हैं, कुछ सामान ले आएंगे। तो दिवाली के लिए वैसे भी कुछ ना कुछ डेकोर का घर के लिए लाना ही होता है। और बाकी लोग भी जिन्हें नहीं पता है, द्वारका में भी बंजारा मार्केट लग चुकी है, तो आप भी वहाँ जा सकते हैं और अच्छा अच्छा सामान अपने घर के ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो मैं अभी उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी उसके बारे में। पहले मैं वहाँ जाऊँगी, देखूँगी कैसा है क्या है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को वापस आते वक्त वहाँ से बताऊँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई, क्या प्राइस में लेकर आई, और वहाँ जो भी चीज़ मिल रही है वो अच्छी है, कैसी है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। आप इधर ही लगा, यही पर ही लगा लेते हैं, साइड पर कहीं पर उधर लगा लो ना, उस जगह खाली है उसको लगा लो, यार वो रस्ता है, उधर को नहीं कह रहा, इधर को ये रहा। चलो मैं करवाता हूँ, पीछे लगा दो यार, अच्छे लगा दो। तो अभी हम पहुंच गए हैं बंजारा मार्केट, और मेरे घर से पूरा 18 मिनट हमें लगा है। और सीरियसली यार, बंजारा मार्केट को देख के तो दिल खुश हो गया यार, ऐसी चीजें ना मुझे इतनी पसंद है ना, बट वही है कि यार सारी चीज़ें तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा घर भी नहीं है और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लेंगे, थोड़ी चीज़ें मुझे भाई के लिए भी लेनी है। हाँ हाँ, आ जाएगी, आ जाएगी। थोड़ी चीज़ें मुझे अपने भाई के लिए भी लेनी है, वो तो नहीं आया हमारे साथ, बट वो कह रहा था कि तुम ले आना, और दिवाली के लिए उसको भी कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी लेकर तो जा ही रहे हैं, तो हम ले आएंगे। और कैसे दिन आए हम बंजारा मार्केट, मतलब ये होता है ना कि घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो फिरो, तो कुछ खाने का भी मन करता है रास्ते में, चलो ये खा लो वो पी लो। आज तो कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते हैं। और अभी मैं पहुँच गई हूँ बंजारा मार्केट की, मैं बाहर से ही खड़ी हूँ, तो अभी हम चलते हैं अंदर। और सीरियसली यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के। जब हमने एंट्री करी यहाँ पर, हमने इतने सारे प्लांट्स देखे, क्योंकि यहाँ पर ना प्लांट्स भी थे, नर्सरी थी मतलब छोटी सी, तो मैं सोच रही थी कि प्लांट्स भी लूँगी, बट प्लांट्स का ना थोड़ा सा मुझे प्राइस ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने नहीं लिए। उसके बाद यहाँ पर सारा होम डेकोर का पायदान वगैरह भी थे, और पायदान भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद ही सारे वास वगैरह, और यार वास तो इतने ज़्यादा अच्छे थे यहाँ, मतलब बहुत सुंदर। और प्राइस ना जितना भी हम अमेज़ॉन या फिर कोई और साइट से मंगाते हैं उससे बिल्कुल हाफ रेट में, तो बहुत अच्छा था। और सारा जो कलेक्शन था ना वो A1 था, वुडन का आइटम बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रहा था। तो आप अगर अपने घर के लिए वुडन का कुछ भी लेना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें तो एटलीस्ट आप ले सकते हो। डेकोर का जो ये साइड में होते हैं लैंप वगैरह, ये सब भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, और 800 और 900 की रेंज में यहाँ पर लैंप थे, तो बहुत अच्छे थे। शीशे थे, काफ़ी लोग ले भी जा रहे थे, बड़े बड़े मिरर्स। तो यार आप ना जब भी अपने घर के लिए कुछ भी आपको लेना हो, आपका नया घर हो, तो आपको कुछ नई नई चीज़ें, होम डेकोर तो हमें चाहिए ही होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना जाकर यहाँ पर आओ, तो एक से बढ़कर एक चीज़ें थी। लैंप थे, और यहाँ पर लाइट का सामान इतना ज़्यादा था। हाँ ऐसे लगे, कितने, 1500 रुपये सारे एक ही रेट है। अच्छा बेटा, हमारे पास तो लग रहा है, कोई नहीं है पहले, लेकिन लग अच्छा रहा ना, बहुत सुंदर पहले था, उसमें लग गया था, क्या नाम, एयरटेल में भी होता है तो।
होटल में होता है? बिग बॉस में। बिग बॉस में होटल में भी होता है। मैंने तो रिसेंटली अभी एक अपने घर के लिए लाइट ली थी, तो फिर मुझे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिख रहे थे, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो एक ले लिया है, कभी बाद में लेना हो तो। और मैं ना ये सब देख के इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। और जो ये आप देख रहे हो ना लाफिंग बुद्धा वगैरह, ये 3 का सेट था और ये 1500 की रेंज में था। और मतलब मार्केट से ये चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे, थोड़ा सा बार्गेनिंग तो देखो हमें करनी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल हाफ़ रेट बोलो और मे बी आपको वो मिल भी जाए हाफ रेट में। और ये जो फाउंटेन है ना, मुझे लेना था तो भैया मुझे बस चलाकर दिखा रहे थे, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, पानी जो है वो ऊपर से नहीं आ रहा था, सिर्फ नीचे नीचे से आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ मुझे ये फाउंटेन की भी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ले लूँगी। सो गाइज, अभी हम जाने लगे हैं घर और कुछ भी समझ में नहीं आया, इतने ज्यादा ऑप्शन थे तो कन्फ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा, क्या ले क्या नहीं ले। वैसे सामान बहुत अच्छा था, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी, बट पता नहीं क्या है ना, यहाँ मुझे लग रहा है कि बार्गेनिंग बहुत ज्यादा चल नहीं रही थी, मतलब ना बहुत कम ही, मतलब थोड़ा सा ही रेट कम कर रहे थे, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे, नहीं दे रहे थे जितना हम बोल रहे थे उसमें। शायद हो सकता है उन्हें नहीं पड़ रहा उतने में, बट फिर भी हमने, मुझे जो मेन चीज चाहिए थी वो मैं ले आई हूँ, और बाकी एक दो चीज़ और मुझे पसंद आई थी। बट इस समय ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही है, करवा चौथ है तो घर जल्दी पहुँचना है, पूजा का भी टाइम हो रहा है, रेडी भी होना है, तो इसलिए फिर अब वैसे भी पास में है मार्केट, तो अब किसी और दिन फिर आ जाएंगे कभी बाद में। अभी जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया है, अब मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है और क्या प्राइस में लिया है, बाकी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। बट मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब अगर आपको ये सारे सामान चीजें, मतलब ये सब चाहिए ना, कोई शॉपिंग आपका नया घर है, आपको वहां के लिए चीजें खरीदनी है, तो आप ना बंजारा मार्केट ही आओ, अगर आप मतलब आपके घर से पास है तो आप बंजारा मार्केट ही आओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और बाकी घर जाके मिलते हैं आपसे। हम घर पहुंच गए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या सामान लेकर आए हैं, और अनुज तो लगाने भी लग गए हैं, मैंने कहा लगा दो फटाफट से। ये क्या कर रहा है, शीट मार्क्स ला, ये क्यों लगा के घूम रहा है बदतमीज लड़का, बताओ कौन बच्चे लगाते हैं इसे, चलो लगाओ। तो एक हम लाए हैं बंजारा मार्केट से, ये दो सोफे जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और हार्दिक इनसे उठ ही नहीं रहा है। एक हम लाए हैं, ये जो हमारा यहाँ पर घोड़े वाली पेंटिंग थी, तो हमने सोचा कि अब इसको चेंज करते हैं क्योंकि 2-3 साल हो गए इसे लगे हुए, तो हमने सोचा इस बार कुछ अलग लगाते हैं, तो इसीलिए हम ये लेकर आए हैं ये। और ये मैं काफी टाइम से चाह रही थी लेना, तो अब हम इसके जगह इसको लगाएंगे। तो वहाँ से ज़्यादा आइटम तो हम नहीं लेकर आए, वैसे हमने छोटे छोटे आइटम ना काफ़ी पसंद करे थे, तो हमने सोचा ये भी लेंगे वो भी लेंगे, लेकिन यार मतलब जल्दीबाजी हो रही थी, तो हमने सोचा किसी दिन ना आराम से आएंगे, तसल्ली से आएंगे, तब मुझे एक दो चीज़ें और हैं वो भी लेनी है। और बाकी मैंने ये सोफे लिए हैं, मतलब ये लिए हैं, और एक ये लिया है जो आपको दिखाया, और एक मैंने ना ये लिया है, ये लिया है, ये प्लांटर स्टैंड है, तो ये भी मुझे चाहिए था। सीरियसली बताऊं तो कुछ कुछ चीजें ना बिल्कुल बहुत महंगी दे रहे थे यार, बहुत ज्यादा महंगी, और मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर हम मीशो से भी ये मैं मंगाती प्लांटर का स्टैंड तो मुझे आराम से मिल जाता है इस रेट का, तो 400 रुपए का उन्होंने मुझे ये प्लांटर का स्टैंड दिया, बट मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आए हैं तो ले लेते हैं। ये मोड़े हैं, ये लिए हैं हमने 1200 रुपए के, 1500-1600 की रेंज बोल रहे थे, बट 1200 के दे रहे हैं, और मतलब बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा, इससे कम कह रहे हैं कोई बात नहीं मत लो आप, तो ये 1200 के लिए हैं हमने। और बाकी जो ये वॉल पे लग रहा है ये हमने लिया है 1200 रुपए का, तो ठीक है, मतलब इसमें ना अलग अलग रेट है वहाँ, मतलब 1000 का भी दे रहा है कोई, कोई 1200 को भी दे रहा है, कोई 1500 को भी दे रहा है, तो हमें ये रेट उसने बताया था 2000 रुपये, तो 1200 का हमें ये रेट उसने, मतलब ये हमें 1200 का उसने हमें दिया है। तो लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी लाइक तो जरूर करना है वीडियो को, तो क्योंकि लाइक करना ना सब लोग भूल जाते हैं यार, इतने लोग देखते हैं व्लॉग को लेकिन लाइक ना सिर्फ 8 या 10 ही आते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।